भूषण ज्वेलर्स। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को जिला कांगड़ा के पालमपुर व कांगड़ा दौरे के दौरान 95 करोड़ के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से 17 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए, जबकि कांगड़ा में 53 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वर्ष प्रत्येक भारतीयों और विशेष रूप से प्रत्येक हिमाचली के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि जहां राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाने में प्रत्येक व्यक्ति ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास में प्रत्येक योगदानकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में 75 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशवासियों के योगदान के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित व जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बायस परमार, रामलाल ठाकुर, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल सहित सभी मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अभूतपूर्व विकास का सबसे बड़ा श्रेय प्रदेश के मेहनतकश और ईमानदार जनता को जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के समय साक्षरता दर 4.8% थी, जबकि वर्तमान में साक्षरता दर 83% से अधिक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार वर्ष 1948 में राज्य में केवल 228 किलोमीटर सड़कें थी और वर्तमान में राज्य में लगभग 40,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछ चुका है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में काफी वृद्धि की गई है और बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को पहले 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया और अब इसे घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर वर्तमान राज्य सरकार द्वारा 1300 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है, जबकि पिछली सरकार ने मात्र 400 करोड़ रुपए की राशि व्यय की थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मालूम नहीं कांगड़ा में किस प्रकार से कार्य स्थिति होगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पवन काजल जी यहाँ एक लोकप्रिय नेता हैं और लोकप्रियता का पैमाना लोगों की भीड़ होता है, और जब इन्होंने मंच पर से जब इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने यहाँ आकर के ठीक किया, तो सब पंडाल में हाथ खड़े करके सब लोगों ने कहा कि आपने ठीक किया, और इसका एक संदेश जाता है कि लोगों के मन का भाव भी यही था कि पवन काजल जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, और इन्होंने भी उनके दिल की बात को समझ लिया और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर, अब जीत की राह में, सुनहरी राह में क्या आपको लग रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कांगड़ा में जीत होगी, शानदार जीत होगी, बहुत बड़ी अंतर से जीत होगी। आपकी ही पार्टी के जिला परिषद चुनाव लड़ने का आगाज कर चुके हैं, उस डैमेज को क्या? देखिए, ऐसा है कि उन साथी हैं, उनसे बात करेंगे, अभी तो चुनाव का दौर दूर है। नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं था। देखा उनका ऐसा था, उनको लगा कि अब जो लोगों के बीच में जा करके लोगों ने इनसे कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो इनका मन ये था कि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं, तो उनमें से अधिकांश चीज़ों को हमने कहा है कि ये करेंगे ही, और उसके बाद अगर और कसर रहेगी तो आने वाले समय में करेंगे। में दिन दहाड़े मर्डर हुई, उसके लेकर के बहुत अनफॉर्चुनेट है, और उसमें कार्यवाही होगी, सख्त कार्यवाही होगी, जो दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।